एम परम एंड वेलकम टू माई YouTube चैनल रमन स्टेनो क्लासेस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इन चैप्टर नंबर थर्टीअ ऑफ पिटमेंट इंस्ट्रक्टर एंड द टॉपिक इज फिगर्स इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि जब डिक्टेशन के टाइम पर हमें राइटिंग के बीच में कोई फिगर या कोई प्रॉपर नेम लिखना हो तो उसको हम किस तरह से डील करते हैं किस तरह से हम उसको लिखते हैं ये हमें सीखना है ओके सो लेट्स सी सो so, जो फिगर्स हैं वन टू टेन एक्सेप्ट एट ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ओके एक्सेप्ट एट एट को छोड़कर जो वन टू टेन हमारे फिगर्स हैं इनको हम किस तरह से लिखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन नाइन एंड टेन ओके इनको हम शॉर्ट हैंड में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ऐट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से वॉवल ई की प्लेसमेंट करके एंड स्ट्रॉक टी के साथ आप एट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट यहाँ पर अगर आप सिर्फ़ टी से रिप्रेजेंट करते हैं एट को तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं रीडिंग के टाइम पर आप इसे एट ग्राम लॉग पढ़ सकते हैं तो इसलिए इसको हम यहाँ पर इग्नोर करते हैं बट अगर आप कंफर्टेबल हैं अगर आप लिख कर ईजी से रीड कर पाएंगे तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ओके सो so अब बात कर लेते हैं राउंड नंबर्स की कि अगर डिक्टेशन के टाइम पर राइटिंग में आपको कोई राउंड फिगर लिखना हो तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे उसको देख लेते हैं सो so, सबसे पहले अगर आपको हंड्रेड रिप्रेजेंट करना है तो आप किस तरह से लिखेंगे अगर आपको लिखना है फोर हंड्रेड तो इसे आप फोर एंड हंड्रेड के लिए आप स्ट्रॉक एन इस तरह से फिगर के नीचे वाले साइड इम्प्लाय करते हैं ओके okay? तो इसको आप पढ़ेंगे फोर हंड्रेड okay? ओके अगर आपको लिखना है थाउजेंड अगर हमें लिखना है थ्री थाउजेंड ये लिखना है हमें राउंड नंबर तो इसको आप थ्री एंड थाउजेंड के लिए आप क्या करते हैं स्ट्रॉक इथ यूज करते हैं यहां पर हमने स्ट्रॉक एन यूज किया है एंड यहां पर स्ट्रॉक इथ हम यूज करेंगे ओके okay? एन हंड्रेड के लिए एंड थाउजेंड के लिए एथ और आपको ध्यान यहां पर ये रखना है कि यहाँ पर गैप आपको ज़्यादा नहीं रखना है बिल्कुल नेग्लिजिबल गैप होना चाहिए ओके okay? इसी तरह से अगर आपको लिखना है टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं टू थाउजेंड एंड सेवन हंड्रेड इस तरह से आप इसको शॉर्ट हैंड में लिखेंगे ओके okay? एंड अगर आपको लिखना है मिलियन तो मिलियन को आप स्ट्रोक एम से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रोक एम से रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से अगर लिखना है आपको फाइव मिलियन तो आप लिखेंगे फाइव देन मिलियन इस तरह से ओके देन अगर आपको लिखना है बिलियन बिलियन को आप स्ट्रोक बी से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे थ्री एंड बिलियन इस तरह से ओके okay. अगर करोड़ में बात की गई है तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं के आर से इस तरह से लिख सकते हैं आप करोड़ तो अगर आपको लिखना है वन थाउजेंड फोर हंड्रेड करोड़ तो आप इसको लिखेंगे वन थाउजेंड फोर हंड्रेड करोड़ इस तरह से ओके okay. उसके बाद रुपीज़ को हम किस तरह से लिखते हैं रुपीज़ को आप स्ट्रोक रे एंड सर्कल एस इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रॉक रे प्लस सर्कल एस के साथ आप रिप्रेजेंट करेंगे रुपीस को ओके तो अगर आपको इसी फिगर के सामने रुपीस लिखना है तो आप लिखेंगे रुपीस वन थाउजेंड फोर हंड्रेड करोड़ इस तरह से ओके उसके बाद अगर परसेंट लिखना है परसेंट लिखना है तो हम परसेंट पी से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से अगर लिखना है हमें थ्री तो परसेंट इस तरह से लिख सकते हैं या फिर आप इसको शॉर्ट हैंड में आउटलाइन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से परसेंट और अगर आपको परसेंटेज लिखना है तो परसेंटेज आप इस तरह से लिखेंगे ओके okay? इसके बाद अगर लिखना है पैरा आई मीन अगर हम पैराग्राफ चेंज करते हैं राइटिंग के टाइम पर तो उसको आप किस तरह से इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन ड्रॉ करते हुए ओके पैरा चेंज करते हैं जब हम तो इस तरह से आपको पैरा के सामने दो लाइंस ड्रॉ करनी है उसके बाद अगर लिखना है डॉलर तो डी के साथ स्ट्रॉक डी के साथ आप डॉलर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आउटलाइन भी आप क्रिएट कर सकते हैं डॉलर का अबव द लाइन डॉलर इस तरह से ओके okay? अगर आपको लिखना है रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड डॉलरस तो लिखेंगे हम रुपीज एग्जाम्पल रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर्स इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रॉक डी के साथ भी ओके देन अगर आपको लिखना है पाउंड तो आप लिखेंगे पी के साथ ठीक है Above the line P and hook N pound लिखना है हमें ट्वेंटी पाउंड्स तो आप लिखेंगे इस तरह से ट्वेंटी पाउंड्स ओके इसको ऑन द लाइन करेंगे हम यहाँ पर ओके देन के जी के जी को आप रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रॉक के के साथ ओके जैसे अगर आपको लिखना है फोर के तो किस तरह से लिखेंगे आप इसे फोर देन जिस ओके इसे हम स्ट्रोक के के साथ रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद ब्रैकेट्स में जब हम लिखते हैं इस तरह से ब्रैकेट्स में हम कुछ लिखते हैं इंग्लिश में शॉर्ट हैंड में जब हम लिखते हैं तो हम इस तरह से ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं इनको आप इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए यूज करेंगे लेफ्ट ब्रैकेट एंड ये है राइट ब्रैकेट ओके इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए आप इनको यूज़ करते हैं बिकॉज अगर हम सिंपली इंग्लिश की तरह ही आप शॉर्ट हैंड में भी अगर यूज़ करेंगे तो आपको रीडिंग में परेशानी हो सकती है आप इसे थिंक पढ़ सकते हैं ओके okay? देम पढ़ सकते हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है तो आप इंटरसेक्ट जरूर करें ओके okay? जो एक और पॉइंट है इस चैप्टर में वो है प्रॉपर नेम ओके सो डिक्टेशन के टाइम पर काफ़ी बार प्रॉपर नेम भी आते हैं उनको आप पहले दो या तीन स्ट्रोक लिख कर वॉबल की प्लेसमेंट करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट्स लिख कर आप इंग्लिश में भी उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये दूसरा ऑल्टरनेट है सो so, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी फॉलो कर सकते हैं इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं जैसे नेम्स ऑफ स्टेट्स सिटीज़ कैपिटल्स लीडर्स डेज मंथ्स ओके okay? इनके लिए हमने स्पेशल सीरीज़ बनाई हुई है हमारे चैनल पर एंड जो प्रॉपर नेम्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं इस सीरीज़ में उन्हीं को हमने कवर किया हुआ है तो आप उस सीरीज़ को ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके सीरियल वाइज देख सकते हैं ओके सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास स्टूडेंट्स इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके सो दैट्स ऑल Thank you so much and all the very best to all of you.